नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे गाइस पता है, गाइस कहीं है नहीं, दिख नहीं रहे, लेकिन हमें पता है गाइस यही है। ये जो लेंस है ना, इसी में सारे गाइस हैं। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसा मैंने बोला था जाते हुए लास्ट व्लॉग में, और होने भी चाहिए। आप सब रहे बोला था ना, होंगे आप सब। मैं भली चंगी हूँ, बहुत मस्त हूँ। देख रहे हो टीका लग रखा है, सुबह सुबह सिद्धि विनायक से आ रही हूँ। तो ये सब आप व्लॉग में देख लेना, मैंने व्लॉग शूट किया है आज। और हाँ, हमारा लास्ट व्लॉग क्या था गाइस बताओ, हम कहाँ से आए थे? हाँ, अभी तो लास्ट व्लॉग में हम करजत के उस फार्म हाउस में पहुँचेंगे। तो गाइस मैंने ना एडिट करके रखी हुई वीडियो वॉइस ओवर करनी है, तो वो मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर बाद, खाना वाना बनाने के बाद। और बहुत कुछ हुआ बीच में जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई गाइस, और आई एम सॉरी। तो कोई बात नहीं, ऐसी हर बात बताने की नहीं होती है, कोई कारण था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अभी ठीक है, कारण ठीक हो चुके हैं। अब हम अपना काम करेंगे बैक टू नॉर्मल। और गाइस पता है, मैं अभी ना आई थी सिद्धिविनायक से, जस्ट मैंने मोबाइल उठाया और मैंने एक कमेंट पढ़ा, इधर लगा देती हूँ, उधर खाली जगह दिख रही है, तो यहाँ देखो, यहाँ इस लड़की ने मुझे बताया। ये लड़की मेरे को इतना फ़ायदा पहुँचा रही है ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ। जीवन में अगर यूट्यूब में मुझे किसी लड़की से फ़ायदा हुआ है ना, वो इस लड़की से हुआ है। चांद नारंग आपको दिख रहा है, लेकिन ये चांद नारंग नहीं है, ये रिचा है। ये लड़की मुझे सारे खानदान के बर्थडे रिमाइंडर देती रहती है, सारे खानदान के बर्थडे बता देती है, एनिवर्सरी बता देती है, पता नहीं इसकी कैसी मेमोरी फिट है। तो इसने मुझे बताया कि कल हमारी खाला जान का बर्थडे है गाइस, बर्थडे है। मुझे पता है बर्थडे बोलते हैं, पर बर्थडे बोलते हैं ना बच्चों, इसीलिए मैं बचपन वाली बात बता रही हूँ। गाइस हमारी कल खाला जान का बर्थडे है, तो क्या कर रहे हो आप सब? तो कल के व्लॉग में, लेकिन कल के व्लॉग में आप सब कैसे करोगे? तो मेरे पे एक आइडिया है, किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था, सीमा दीदी खाला जान का कोई मैसेज आया, हमें सुनाओ ना, खाला जान कैसी है हमें बताओ ना। तो भाई खाला जान बहुत खैरियत से हैं, हमारी खाला पाकिस्तान में रहती हैं, आप सबको पता है ना, और लीना उनकी बेटी है, जिनके कारण खाला जान हमसे मिली। क्योंकि लीना हमारे व्लॉग देखती थी, लीना ने खाला जान को हमारे व्लॉग सिखाए, एंड फिर खाला को मैं इतनी प्यारी लगी कि खाला ने मुझे बेटी बना लिया, और पार्थू उनका नवासा बन चुका है। और पार्थू खाला नानी को क्या बोलता है, खाला नानी, नानी खाला, पता नहीं क्या बोलता है, बहुत अजीब सा कुछ बोलता है वो। खाला नानी जब बोलेंगे ना, तब आप सुनना। तो खाला जान का कुछ दिन पहले वॉइस मैसेज आया है गाइज, और मैंने सोचा था आप सबके संग शेयर करूँगी। और मेरे पास खाला जान की रियल पिक्चर भी है, उनके जवानी के दिनों की, वो इसलिए मुझे भेजी गई थी, खाला जान ने भेजी थी कि सीमा जरा टिप टॉप ऐसी बड़ी बड़ी आँखों में ऊपर नीचे काजल लगा के रखा करो, ऐसे खाला जान को मुझ में अपनी सहेली दिखाई देती। उनकी कोई सहेली थी जिसका नाम सीमा था, और वो मेरी ही जैसी लगती थी, इसीलिए और भी मैं प्यारी हूँ खाला जान को। तो खैर, कल हमारी खाला जान का बर्थडे है, तो हम सोच रहे हैं कुछ स्पेशल करते हैं। मेरे पर जो वॉइस मैसेज है ना, कल मैं वो आप सबको सुनाऊँगी, एंड खाला जान की पिक्चर भी लगाऊंगी, आप सब भी देखना हमारी खाला कितनी खूबसूरत है। तो बस मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा घर का कामों में व्यस्त थी ना गाइज, इसीलिए नहीं आ पाई। तो पहले आप सबको ही पता है, पहले घर है फिर परिवार है, सॉरी घर परिवार तो एक ही चीज़ हो गई गाइज। गाइज मैं अपने दिल की एक सच सच बात बताऊँ, मेरा मन करता है किसी दिन मैं अंग्रेजी में व्लॉग बनाऊँ, मतलब मैं पूरा व्लॉग इंग्लिश में बोलूँ, तो क्या होगा, गलत बोलूँगी थोड़ी बहुत, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ गाइज, लेकिन वो बहुत फ़नी व्लॉग होगा अगर मैं पूरा व्लॉग इंग्लिश में बनाऊँ, तो कैसा रहेगा गाइज। मैं सोच रही थी ये एक चैलेंज मुझे लेना चाहिए कि मेरा फुल व्लॉग चाहे 10 मिनट का, पर वो इंग्लिश में बने, क्या कहते हो गाइज, मुझे ऐसा ट्राई करना चाहिए? टेल मी कैन आई डू डैट? देख रहे हो, आई कैन डू दिस, यस आई कैन गाइज। ये तो अपनी खिल्ली उड़ाने वाली बात हो जाएगी, बहुत ही ख़तरनाक बात हो जाएगी गाइज, वी शुड ट्राई आई थिंक। इतना भी क्या डरना, होगा तो क्या हो गया, कॉमेडी व्लॉग बन जाएगा, है ना? आप बताओ इंग्लिश में व्लॉग बनाना चाहिए? अब अगर आप बोलोगे ना हाँ बनाना चाहिए, वो भी फिर 1 महीने बाद बनेगा, खैर क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए गाइज, बेइज्जती हो जाती है। और गाइज एक और बात, मुद्दे की बात, एक तो मुझसे एड्रेस मांगना छोड़ दो लड़कियों, और जब मैंने एड्रेस नहीं दिया तो इस लड़की ने कमेंट करना छोड़ दिया। वो लड़की को उन्हें मैं दिखाती हूँ, इधर देखो गाइज, इस लड़की का अगर हमारी वीडियो में अभी 2 दिन के अंदर कमेंट नहीं आया, तो आप सोच लेना गाइज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस लड़की को ब्लॉक कर दूंगी गाइज, सोच लो आप। अब जिसने मुझसे पंगा लिया ना, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, मैं सच्ची कह रही हूँ।
मतलब मुझे एटीट्यूड दिखा रही है ये लड़की, इसके लास्ट व्लॉग में तो कमेंट ही नहीं आए हैं। पता है गाइज, ये मुझसे एड्रेस मांग रही थी बहुत दिन से, पर मेरे लिए आप सब बराबर हो। जब मैंने कह दिया, और भी बहुत लोगों के मुंह फूले हुए हैं जिनको मैंने एड्रेस नहीं दिए, तो जब मैंने कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार दो, कमेंट लिख लो, मेरे लिए वही गिफ्ट है, और आप लोग बस कमेंट कर देते हो, आप लोग इतनी दुआएं देते हो, वही बहुत होता है। और एक दुआओं से याद आया, आज पता नहीं मैं जब सिद्धिविनायक मंदिर में बैठी थी और मेरे दिल से एक नाम आया, वो नाम था विष्णु जी का, विष्णु दीदी जिनको मैं कहती हूँ, नेपाल में रहती हैं। मैंने पता नहीं क्यों वहाँ पे बैठे बैठे आँख बंद करके एकदम से मुझे ध्यान आया और मैंने बप्पा से कहा, बप्पा विष्णु जी को बुला लो ना जल्दी से, क्यों तड़पा रहे हो, जो आपके दर्शन करना चाहते हैं उन्हें बुलाओ ना अपने पास। और पता नहीं क्यों विष्णु दीदी आपका नाम आया, आज मैं आपकी हाजिरी लगा के आई हूँ। अब देखो रिटर्न दे दिया है, कब आपका नाम वहाँ पे आ जाता है। तो बस मैं चाहती हूँ आप सब लोग जल्दी जल्दी सिद्धिविनायक जाओ और वहीं से वहीं खसक लो, मेरा दिमाग मत खाना, जिसको देखो वही एड्रेस यहाँ पे मांगता रहता है, एड्रेस दे दो एड्रेस दे दो। मैं किसी को एड्रेस नहीं दूंगी, बता रही हूँ, फाइनल है। मुझे वहाँ अकेले में खोपचे में आके मैसेज मत करो कि मुझे दे दो मुझे दे दो, मेरे लिए आप सब बराबर हो, इक्वल हो आप सब, कोई भी बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है मेरे लिए, आप सब बिल्कुल इक्वल स्पेशल हो मेरे लिए। मैं नाम ले लेती हूँ कुछ लोगों के यहाँ पे, क्या करूँ फिर, आ जाते हैं नाम तो खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के नाम नहीं ले रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए बराबर नहीं हो, आप सब बराबर हो, ठीक है। तो गाइज इसलिए मुद्दे की बात में आते हैं कि मैं आज आ जाऊँगी, पता नहीं कब आऊँगी गाइज, खाना बनाने बहुत सारे काम है गाइज, मन तो करता है लेकिन क्या करूँ, आ नहीं पाती हूँ। चलो अभी मैं जा रही हूँ, एक अपडेट देने आई थी, 7 मिनट की अपडेट, बाप रे। चलो आती हूँ, और कल खाला जान का बर्थडे है तो कल एक स्पेशल ब्लॉग मैं डालूंगी वॉइस ओवर वाली, और फिर उसके बाद 15 अगस्त का ब्लॉग अभी बाकी है गाइज, वो भी देख लेना, कोई बात नहीं। आई नो थोड़ा देर हो चुका है गाइज, तो क्या हो गया, तो हमारा घर है, हम जब मर्जी 15 अगस्त मनाएं, हम जब 26 जनवरी मनाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है गाइज, कोई बात नहीं गाइज, झेल लो मुझे जैसा भी है। चलो मिलती हूँ, मैं आ रही हूँ। और आज कौन कौन आया था जरा हाजिरी लगा के जाओ, अटेंडेंस लगा दो, कौन कौन आया था, मुझे अच्छा लगता है, आप सबको पहचानती हूँ मैं, नाम जानती हूँ मैं। और मैं पहले बता रही हूँ, अगर वो वाली रिचा, अगर 2 दिन के अंदर उसका कमेंट नहीं आया तो गाइज मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, मैं बता रही हूँ सच में, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, फिर मत कहना मैं रूड हूँ, मैं कोई रूड नहीं हूँ। और हमारी ब्रूफी वापस आ चुकी है, पता है ब्रूफी को गुस्सा आया था, उसने लिखा था नहीं नहीं मुझे सच में बुरा लगा, फिर हमारी ब्रूफी वापस आ गई, थैंक यू सो मच ब्रूफी। देखा मैंने कहा था ना, मैं इन लोगों की टांग खींचती हूँ, ये कहीं नहीं जाने वाले, इनका दिल कहीं नहीं लगेगा। ये जो है ना, ये तुम्हारा यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये तुम्हारा घर है, इसीलिए आती हूँ यहाँ पे, गुस्सा दिखाती हूँ, नखरे दिखाती हूँ, फिर वापस आ जाते हो आप सब। और हाँ, हमारे संतोष जी भी आए हैं उस चैनल से, उनका भी कमेंट आया, अरे सीमा जी मैं ढूंढ रहा था, मायूस हो जाता था, अब आप मिल गई तो वो भी बहुत खुश है। संतोष जी किस किस को याद है जो हमारी लाइव में अक्सर आ जाया करते थे, याद है कि नहीं, लाइव से याद आया, हम बहुत दिन से लाइव भी नहीं आए, चलो आएंगे, बाय। और जाते जाते दिल से थैंक यू है रिचा तुमको कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि कल खाला जान का बर्थडे, सच में मैं व्हाट्सएप पे गई, मैंने स्क्रॉल किया, जल्दी जल्दी देखा कि हाँ 22 तारीख को उनका बर्थडे है। पता है आपको, मैं लीना का भी बर्थडे भूल गई, आई एम सॉरी लीना, अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो, मुझे इतना तो याद है कि जुलाई में तुम्हारा बर्थडे होता है, लेकिन जुलाई की किस डेट को था, 16 या 17, कुछ ढंग से याद नहीं है। अरे मतलब आप लोग ये क्या कह रहे हो, मैं तो शिरीन भाभी यहाँ बगल में रहती है, मैं तो उनका भी बर्थडे भूल गई, 18 तारीख तो याद है, मंथ याद नहीं है कौन सा मंथ है, लेकिन ऐसी हुए गाइज, मैं ऐसी हूँ, मेरे से हो जाता है ऐसा, तो आई एम सॉरी, लेकिन दिल से धन्यवाद है रिचा तुमको, दिल से धन्यवाद है कि तुमने मुझे याद दिलाया, और भी बहुत लोगों के तुम याद दिलाती हो, तो तुम्हारे लिए स्पेशल लव, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय, और अब बहुत सारे काम करती हूँ, ये एक लिटिल अपडेट था उन लोगों के लिए जो मुझे याद करते हों, मुझे ढूंढते हों, सिर्फ उन लोगों के लिए, बाकी के लिए तो पक 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 पक।